हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जेजी फोर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड कोर की तरफ से आने वाले इस लाइफ नोट 3 ईयरफोन्स के बारे में। अब ये वाले ईयरफोन्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस टैग पे आते हैं। ये वाले करीब करीब 8,000 रुपये के आसपास आते हैं। तो इन प्रीमियम ईयरबड्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको 8,000 रुपये के अंदर ये लेने चाहिए या फिर नहीं, जिसके लिए आप इस वीडियो के पे आए हैं, तो वो सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, इनको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं यार। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी डेफिनेटली से बहुत प्रीमियम लगती है, और उसी बारे में बात करेंगे। इसकी साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे ANC हाइब्रिड वाला दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है वो दोस्तों कुछ अलग से टोन दी गई है, फिनिश जो है इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है। ऊपर की तरफ साउंड कोर का लोगो दिया गया है, एंड डेफिनेटली से यार जो ब्लैक टोन फिनिश है मेरे पास, उसके ऊपर जो लाइनिंग्स है वो काफ़ी प्रीमियम सा पैटर्न लगता है देखने में। और यहाँ पे दोस्तों जो ईयरबड्स की ओवरऑल क्वालिटी है केस की, वो बहुत ज़्यादा सही है। और बैक की साइड में इसमें USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। ओवरऑल जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स साइज़ है। और अगर ईयरबड्स की बात करें अंदर साइड, तो यहां पे ईयरबड्स काफी प्रीमियम तरीके से रखे हुए मिल जाते हैं इस तरीके से कुछ, और यहां पे डेफिनेटली से आपको काफी प्रीमियम सा लगेगा देखने में ईयरबड्स को। और उसके नीचे एक लाइट मिल जाती है हमें चार्जिंग की, जहां पे हम देख पाएंगे चार्ज हो रहे हैं ईयरबड्स या फिर नहीं। और जो ईयरबड्स का डिजाइन है वो भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, बट जो है यहां पे ग्लॉसी प्लास्टिक का फिनिश का यूज किया गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है देखने में। और इनका कॉम्पैक्ट साइज है, जो ईयरबड्स है वो भी काफी छोटे छोटे, मतलब मीडियम सा साइज है इनका, हाफ इन ईयर वाला डिजाइन है, लेकिन जो क्वालिटी है वो काफी डेफिनेटली से बहुत अच्छी लगती है, और आपको फील होगा कि आपने कोई प्रीमियम ईयरबड्स ले रखे हैं। तो डेफिनेटली से डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी इन ईयरबड्स में, और डेफिनेटली से मुझे जो है काफी ज्यादा पसंद आ रहा है इनका डिजाइन यार, और बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड चीज जो है, इनकी साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे जो है इसका बॉक्स है, उसी के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे बेस अप। तो यहाँ पे जो बेस यहाँ पे काफी तगड़ा मिलना चाहिए हमें उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बैलेंस साउंड भी दी है, वो भी हमें पता चला है। और यहाँ पे जो है ड्राइवर्स यहाँ पे 11 mm के दिए गए, जो कि काफी अच्छे से बेस वगैरह को मेंटेन करते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको भी मेंटेन करते हैं। अब एक्चुअल में मुझे कैसा लगा एक्सपीरियंस साउंड का और बेस क्वालिटी वगैरह का, तो यहाँ पे साफ सीधी बात यह है दोस्तों, जो साउंड है इसमें बहुत ज्यादा तगड़ी ट्यून की हुई है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आप कोई म्यूजिक सुनते हैं या फिर कोई भी मूवी वेब सीरीज देख रहे हैं, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक में जो भी बीट्स होती है, कोई वो मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आप अलग अलग से पहचान पाएंगे कि भाई हाँ इस टाइम पे ये बीट बजी थी, क्योंकि यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर वोकल्स आते हैं और क्लियर बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि बैकग्राउंड में कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है या फिर क्या चीज बज रही है। तो ये चीज काफी ज्यादा सही लगी मुझे यार, बहुत ज्यादा एक अच्छा सा अलग सा एक्सपीरियंस था। जितने मैंने TWS आज तक यूज किए हैं उससे डेफिनेटली से काफी एक हायर नॉच वाला एक्सपीरियंस था। वहीं बात कर ले अगर बेस की, तो बेस यहाँ पे डिसेंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर मिल जाती है, यानी कि अच्छी खासी बेस हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बेस ही बेस मिलती है, क्योंकि कई जो ईयरबड्स होते हैं वो बेस पे ज्यादा फोकस होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम वगैरह दब जाती है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। बट यहाँ पे जो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि एक काफी ज्यादा सही चीज है। अब यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात करें तो मतलब वो बेस की वजह से दबती नहीं है और क्लियर रहती है एकदम, और मैंने जैसा कि आपको बताया वोकल्स के साथ साथ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छे से सुनाई देता है। तो अगर आप मूवीज शोज या फिर म्यूजिक वगैरह के लिए ये बाय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा सही होने वाला है। अगर आपको अच्छा बेस भी चाहिए, साथ में एकदम बढ़िया वाली साउंड चाहिए, तो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ साउंड एंड बेस के मामले में। अब दोस्तों काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं या नहीं इन वाले ईयरबड्स के साथ, तो यहाँ पे गेमिंग लेटेंसी यहाँ पे ऑन मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड हमें मिल जाता है इसकी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मैं आगे बाद में चल के बताऊंगा इस वीडियो में, बट एप्लीकेशन के अंदर से आप उसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उसको ऑन करने के बाद भी कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं उनको प्रेफर मतलब या फिर रेकमेंड नहीं करूंगा गेमिंग करने के लिए प्रोफेशनली, बिकॉज यहाँ पे अगर आप BGMI या फिर किसी और गेम को खेलते हैं 1-2 घंटे और वहाँ पे आप अपनी रैंक वगैरह पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लेटेंसी फिर भी रहती है। और यहाँ पे इन ईयरबड्स के साथ में बताया नहीं गया है कि कितनी लेटेंसी हमें मिलती है, तो यहाँ पे इस मामले में मुझे लगता है गेमिंग के लिए आप इनको बाय मत कीजिए। गेमिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड ईयरफोन्स जो आते हैं उनको बाय करिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, लेकिन ओवरऑल दूसरे एक्सपीरियंस आपको एकदम प्रीमियम वाला चाहिए, तो उसके लिए ये वाले ईयरबड्स बने हैं। तो वैसे आपको नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है, तो गेमिंग मोड ऑन करके आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों ANC मिल जाता है हमें इस वाले ईयरबड्स के साथ में, तो ANC टेक्नोलॉजी इसमें जो है वो कैसी है? अब यहाँ पे हाइब्रिड ANC बोला गया है, बट हाइब्रिड ANC के साथ साथ हमें कैसा कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्या कुछ हमें मतलब अच्छा खासा ANC वाला एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों जो ईयरबड्स है ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं, तो यहाँ पे टच कंट्रोल अगर आपको प्रेस एंड होल्ड करे रखेंगे राइट या लेफ्ट वाले ईयरबड पे, तो आप ANC को ऑन कर पाएंगे, ANC मोड को। और यहाँ पे ANC मोड की जो सेटिंग्स हैं, एम्बियंट साउंड ANC या फिर नॉर्मल मोड में अगर आपको रखना है, वो सब कुछ आप एप्लीकेशन के अंदर कर पाएंगे, तो एप्लीकेशन को भी एक बार देख लेंगे अभी। बट जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहता है ANC के साथ में अगर आप ऑन करके रखते हैं, तो आपको पता चलेगा डेफिनेटली फर्क, अगर आप ऑन करेंगे हाइब्रिड ANC या फिर जो भी आपने मोड सेट किया होगा जब, और उसको ऑन करेंगे आप टच एंड होल्ड करके इनको 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा फर्क कि जो आसपास की साउंड है वो आपकी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक ये कट कर देता है। और वहीं पे अगर आप एम्बियंट साउंड को करते हैं तो वहाँ पे 2 मोड्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, फुली ट्रांसपेरेंट होता है, एक होता है सिर्फ वोकल्स का। तो वो सब चीज़ें आपको दिखा देते हैं एक बार ऐप में चल के, तो एक बार ऐप को भी देख लेते हैं इसकी। सो गाइस, ये है लाइफ नोट 3 की ऐप, जिसका साउंड कोर के नाम से ये ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है आपको देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग लेवल्स दिखा देती है इनके ईयरफोन्स के, दोनों के ही। और इसके नीचे ही साइड अगर बात करें तो एम्बियंट साउंड यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन पे हो रखा है, तो यही है ऑप्शन जो वो है जिसमें आप नॉइज कैंसलेशन को सेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो इस पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, नॉइज कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉर्मल मोड। तो ये सब मोड्स मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन में 3 मोड्स दिए गए हैं इन्होंने, ट्रांसपेरेंट, इंडोर एंड आउटडोर, तो ये मोड्स हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मोड में हम जाएं तो यहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंट वोकल मोड यहाँ पे अलग अलग मिल जाते हैं। वोकल मोड में सिर्फ आवाज़ आएगी आपके आसपास में जो बातें कर रहे होंगे लोग, या फिर फुली ट्रांसपेरेंट में आपको बाकी शोर भी सुनाई देगा, और नॉर्मल में तो नॉर्मल रहेगा ही। तो इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं ईयरफोन्स के थ्रू ही। तो यहाँ पे गेमिंग मोड अलग से मिल जाता है, मैंने आपको बताया था, इसको एनेबल करेंगे तो थोड़ी बहुत लेटेंसी कम हो जाएगी आप गेमिंग अगर करते हैं। इक्वलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपना कस्टम बना के, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पे ट्यून्स। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सुपीरियर स्लीप का एक मोड है, जिसमें आप स्लीप के लिए भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कुछ ट्यून्स या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पे अपने हिसाब से साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं और स्लीप के लिए भी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल्स में जाएंगे अगर, तो टच कंट्रोल्स आप चेक कर पाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर पाएंगे, राइट पे प्लस कर पाएंगे, लेफ्ट पे माइनस, सिंगल टैप पे, डबल टैप के जेस्चर्स आप देख पाएंगे यहाँ पे, और डबल टैप के बाद यहाँ पे होल्ड फॉर 2 सेकंड्स का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको बताया है कि आप चेक कर सकते हैं इनको, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन को। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो फीचर है टिप फिट टेस्ट, तो ये वाला फीचर क्या करेगा, आप पहन लीजिए ईयरफोन्स को और आपको सही से पहनने हैं, तो यहाँ पे ईयरबड्स इन पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी कुछ साउंड वगैरह रिकॉर्ड करके देखेगा और आपको बताएगा कि आपने सही पहने हुए या फिर नहीं ईयरफोन्स। तो इस तरह के दोस्तों ये सारे कुछ हमें मिल जाते हैं ऑप्शंस इस वाले ऐप में इन वाले ईयरबड्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फर्मवेयर भी अपडेट कर सकते हैं, फर्मवेयर वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं इन ईयरबड्स का, तो यहाँ पे अपडेट फर्मवेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा अपडेट के लिए और यहाँ पे आपको बता देगा अपडेट अगर आया होगा तो कोई। और ये कुछ इस तरीके से दोस्तों सारे फीचर्स आपको ऐप में मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स है इस ऐप में भी दोस्तों। यहाँ पे इन वाले ईयरबड्स में है ना 6 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं कॉलिंग के लिए, तो यहाँ पे वो मैंने टेस्ट किए कॉलिंग करके देखा, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको एकदम अच्छे से आपकी क्लियर वॉइस आपकी चली जाती है अगर आपने सही से पहने हुए ईयरफोन्स। अब सही से ईयरफोन्स पहनने हैं तो इसके लिए आपको ऐप में एक अलग से फीचर मिल जाता है, जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करके वो आपको बता देगा कि इस एंगल पे आपका जो ईयरफोन है वो सही से लगा हुआ है, तो वो आपको बता ही दिया ऐप फीचर्स में कैसे आपको करना है वो कंट्रोल। बट यहाँ अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वॉइस है वो काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है, क्योंकि 3-3 माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं दोनों ईयरबड्स में, तो यहाँ पे आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं दोनों ईयरबड्स में, एंड जब जाके वो आपकी जो साउंड है सामने वाले पर्सन को मिलती है और वो एकदम क्लियर मिलती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि दूसरे ईयरबड्स में हम नोटिस करते हैं थोड़े से, जैसे ईयरफोन्स यहाँ पे होते हैं और आपका मुँह यहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर जाती है। एंड अगर आप किसी शोर वाले इन्वायरमेंट में हैं तो
वहाँ पे भी वो कम से कम नॉइस कैप्चर करता है सामने जो भी इन्वायरमेंट में शोर हो रहा है, एंड आपकी जो वॉइस है उसको ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे वैसे हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है अगर आप किसी वैसी भीड़ वाले इलाके में या फिर शोर वाले इलाके में, बट नॉर्मली यहाँ पे कॉलिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी जितना कि मैंने इसे टेस्ट किया है। अब यहाँ पे दोस्तों बैटरी और चार्जिंग की बात कर लेते हैं। बैटरी चार्जिंग यहाँ पे कंपनी ने बोला है 35 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है हमें इस कैप्सूल को फुल चार्ज करने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो एक्चुअल एक्सपीरियंस में मेरा कैसा रहा, यहाँ पे मैंने बीच बीच में ANC मोड को यूज़ किया था और साथ में यहाँ पे मैंने म्यूज़िक को 50-60% की वॉल्यूम पे सुन रहा था। मतलब म्यूज़िक के साथ साथ जो भी काम कर रहा था मैं उसको 50-60% पे कर रहा था, या फिर मूवीज़ देख रहा था, जो भी चीज़ कर रहा था। तो इस तरीके से अगर मैंने इसको यूज़ करा जितना भी, तो उस हिसाब से बताऊँ दोस्तों बैटरी बैकअप मुझे अराउंड 28 या 29 घंटे के आसपास मिला है अगर मैंने बीच बीच में ANC को ऑन किया है जब जाके। तो आप मान सकते हैं आपको आराम से एक दिन का बैकअप ये दे सकते हैं अगर आप ANC मोड को यूज़ कर सकते हैं तो 22 से 23 घंटे आपको मिल सकते हैं ANC मोड के साथ मेरे हिसाब से जितना मैंने यूज़ किया है। पर हाँ अगर आप बीच बीच में यूज़ करते हैं ANC मोड को ऑन ऑफ करते हैं तो अराउंड मेरे को कुछ इस तरह का बैकअप मिला है यार 28 से 29 घंटे के आसपास का। तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा सही बैकअप है जो इसका बैटरी का, वो मुझे बहुत सही लगा। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग यहाँ पे इसको फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटे या फिर 1.5-2 घंटे के आसपास लगता है। तो फुल चार्ज हो जाते हैं ये उतनी देर में, बट हाँ फुल चार्ज होने के बाद काफ़ी लंबे चलते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगी। तो इस तरीके का कुछ मेरा बैटरी और चार्जिंग का एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ आपको बता देता हूँ टच कंट्रोल्स यहाँ पे साउंड कोर का जो लोगो बना हुआ है ईयरबड के ऊपर, तो वहाँ पे एकदम एक्यूरेटली टच होती है फिंगर, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर है उसी और लोगो पे टच होती है। तो एकदम अच्छे से ये टच कंट्रोल्स भी काम करते हैं इसके। टच कंट्रोल्स बिल्कुल सिंपल है, प्ले पॉज करना है तो डबल टैप आप करें, या फिर कॉल रिजेक्ट करनी है या फिर पिकअप करनी है, और अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड ऑन करना है तो उसके लिए 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, या फिर बंद करने के लिए आपको 2 सेकंड्स के लिए ही होल्ड करना है दोनों ईयरबड्स में से किसी पे भी। तो इस तरीके का कुछ दोस्तों ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन ईयरबड्स के साथ। अब दोस्तों ये सब बातें हो गई इन ईयरफोन्स की, और फाइनली अगर आपको बताऊं कि आप इसको लेने की सोच रहे थे 10,000 रुपये के आपका बजट है और 8,000 रुपये के आते हैं फिलहाल ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो अगर आपको इसको लेना है तो डेफिनेटली से आप इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रीमियम एक्सपीरियंस तो रहेगा ही साथ ही साथ, क्योंकि इसका जो बॉक्स है वो एकदम अच्छा लगता है देखने में और इसी से पता चल जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया, और मतलब प्रीमियम वाले TWS आपने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो अगर आप देखने आए हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होगा इन वाले ईयरबड्स को लेने में, और यहाँ पे अगर आप इसको स्पेंड करते हैं अपने 8-9 हज़ार रुपये इस प्रोडक्ट को लेने के लिए तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट TWS हो सकते हैं ये अंडर 10,000। हालांकि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं ओप्पो या फिर दूसरे ब्रांड्स की तरफ से, बट ये वाला ये है जो मैंने टेस्ट किया और इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।